हवाले से बात करेंगे जी इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी हम देखते हैं कि हम अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वन आवर स्क्वेयर रूट ऑफ वन आवर स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, अब ये दरअसल अगर आप डिफ्रेंसिएशन में चले जाएं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कंबाइंड ही पढ़ रहे हैं यानी इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन में चला जाऊं, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स करता हूं, तो क्या है वन आवर स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई यानी डिफरेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कोस साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, तो वो किसके इक्वल आता है, वो नेगेटिव साइन एंड बाकी सब चीजें से माइनस वन आवर स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है अगर कोई चीज इस फॉर्म में लिखी होगी, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इंटीग्रल, यानी मैं डेरिवेटिव की बात करूं इंटीग्रल की बात, यानी वन आवर स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी अगर इस साइन इनवर्स का जो इंटीग्रल है वन आवर स्क्वेयर रूट वन माइनस, इसका डेरिवेटिव वन आवर स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो इस फंक्शन का, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर नेगेटिव के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन क्वेश्चन ये कि अगर यहां पे वन और यहां पे एक्स के अलावा कोई फंक्शन हो, जैसे हम सपोज कर लेते हैं जी के वन आवर यानी इंटीग्रल ऑफ वन आवर स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर, तो फिर इस केस में किस तरह से किया जाएगा। अब अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो इसके लिए आई विल ऑलवेज इनकरेज कि अगर आपने स्क्वेयर रूट नाइन माइनस यानी इस फॉर्म में जो कि आप जिसमें नाइन को हम थ्री का स्क्वेयर बना सकते हैं, अगर मैं आपके लिए नाइन को पहले ही थ्री का स्क्वेयर बना दूं, इवन कि कोई परफेक्ट स्क्वेयर ना भी होता भी हम स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर डाल के उसका स्क्वेयर बना लेंगे, तो ये बन गया थ्री का स्क्वेयर। अब ये देखें, दिस इज ये मेरे पास फॉर्म बनती है स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जो डिनोमिनेटर में ही है ऑफकोर्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जब भी हमारे पास इस तरह की चीज आएगी, ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक्स जो है इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, अब यहां पर चूंकि x itself जो x plus 2 है, तो यह आ जाएगा x plus 2 equals 3 sin of theta, अब अगर आप देखें यहां पे, अगर मैं जो है dx is equal to 3 sin theta का derivative क्या होता है, cos theta d theta आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, differential लेता हूं इसकी मैं, तो dx equals 3 cos theta d theta। आप substitute करें values यहां पे, मैं यहां पे आपको show कर दूं, यहां पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलें जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, वन आवर स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री की जगह लिख दूंगा मैं थ्री स्क्वेयर, यानी थ्री स्क्वेयर विच इज ए स्क्वेयर एक्चुअली, ठीक है, तो उसको मैं यहां पे बना देता हूं थ्री स्क्वेयर, चलें थ्री स्क्वेयर एंड माइनस एक्स प्लस टू किसके इक्वल, थ्री साइन थीटा स्क्वेयर के इक्वल, सो थ्री साइन थीटा स्क्वेयर, ठीक है, और व्हाट इज डी एक्स इक्वल टू, यानी यहां पे साथ डी एक्स भी था जो यहां पे मैंने नहीं लिखा, तो डी एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा डी थीटा, और दिस इज द इंटीग्रल साइन, एंड हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखते हैं कि थ्री नाइन माइनस नाइन साइन स्क्वेयर थीटा, अब ये आ जाएगा नाइन माइनस नाइन साइन स्क्वेयर थीटा, यानी इन साइड जो है वो ब्रैकेट 9 कॉमन ले लिया जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो कि किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वेयर 9 कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 9 कॉस स्क्वेयर थीटा जो कि स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 3 कॉस थीटा। इसका मतलब है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रल साइन, 3 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा से कैंसिल आ जाएगा 1 डी थीटा विच इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, एंड व्हाट इज थीटा इक्वल टू, अगर यहां से देखें, अगर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा है, तो एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री एंड साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा।
तो लिहाजा इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री। सिंपल, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री। तो यहां पे आपने जो एक चीज अपने माइंड में रखनी है वो क्या है, वो सिंपल सी चीज है कि वन माइनस, अगर वन माइनस एक्स पर, एक्स भी सिंपल फंक्शन है एंड जो कॉन्स्टेंट ए है दिस इज वन, तो फिर तो आप सीधा सीधा लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बट अगर आपके पास ए की जगह कोई और नंबर होगा, यानी कोई नंबर ए 3 4 5 स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट 5 कुछ भी, तो उस केस में हम जो है वो जो भी गिवन फंक्शन होगा एक्स साइन इनवर्स ऑफ दैट एक्स, चाहे वो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री है जो भी है, डिवाइडेड बाय ए नॉट ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए, दिस विल बी द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी इस तरह से आप उस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के हमारे पास क्लियर होगी। तो जो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है जब आप किसी चीज को इस फॉर्म में देखेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को, तो उसके लिए स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म आती है, यानी वन आवर स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म। तो उसके लिए जब आप ऑप्शन पिक करेंगे दैट विल बी साइन इनवर्स वाला ऑप्शन। इसी तरह से हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आता था, वन आवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन आवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इसका मतलब है इफ समथिंग इज गिवन इन दिस फॉर्म, यानी वन आवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर का अगर मैं इंटेग्रल लूं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन क्या ये सिंपल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स होगा, यानी अगर यहां पे ए के वन के बजाय कोई कांस्टेंट हो लाइक 2 3 4 एंड एक्स के बजाय कोई और फंक्शन हो, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है अगेन सपोजिशन की बात करेंगे। यानी हमारे लिए जो बेस्ट सपोजिशन है, बल्कि हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, लेट्स पिक अप द क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन डी एक्स ओवर एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर प्लस फोर इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टू, बी ऑप्शन है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टू बाय टू एंड दिस एंड दिस। अब मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट सुटेबल सब्सटीट्यूशन है इसके लिए, यानी व्हेन समथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जब कोई इस फॉर्म में कोई चीज लिखी होगी तो उसके लिए जो बेस्ट सब्सटीट्यूशन है हमारे पास वो क्या है कि हम जो गिवन फंक्शन होगा एक्स प्लस टू, यानी एक्स प्लस टू इसको हम इक्वल रखेंगे, इसको हम इक्वल रखेंगे टू टेंजेंट थीटा के। मैंने टू टेंजेंट थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर फोर के बजाय यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू का स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर फॉर्म ए हमारे पास स्क्वेयर में होता है, यानी अगर यहां पे ये यह होगा टू स्क्वेयर। अब ये देखें ये बन गया एक्स स्क्वेयर एंड दैट प्लस ए स्क्वेयर विच इज टू स्क्वेयर। ठीक है, यानी जब आप देखें अगर आप जब आप वन के साथ भी करते हैं, यानी वन आवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्चुअली ये वन जो होता है स्क्वेयर में होता है, लेकिन वन का यू नो वन का स्क्वेयर वन ही होता है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो मेक श्योर के ये जो है वो टू जो है वो स्क्वेयर में हो, तो इसको आप बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि जो गिवन एक्स होगा किसी भी फॉर्म में होगा दैट गिवन एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू टू टाइम्स, यानी ए टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। क्योंकि ये वन प्लस एक्स स्क्वेयर जो डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं इसका इनवर्स फंक्शन का, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है जब आप इसमें इंटीग्रेशन में जाएंगे तो सपोजिशन में आप इसको टेंजेंट इनवर्स एक्स वाली सपोजिशन इसको जो है वो इस पे अप्लाई करेंगे, और वही हमने यहाँ पे की। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास इसको डिफरेंशिएट इसके डिफरेंशियल करें तो डी एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स का क्या होता है, टेंजेंट थीटा का क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। सो इसका मतलब है आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें वैल्यूज। अब ये काम कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसका सिंपल वे भी है, मैं आपको भी बता दूंगा, बट अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आप सब्सटीट्यूशन करें तो ये बन जाता है हमारे पास डी एक्स किसके इक्वल है, टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू किसके इक्वल है, टू टेंजेंट थीटा के इक्वल, तो स्क्वेयर करेंगे तो फोर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और टू का स्क्वेयर ऑलरेडी फोर है। तो अगर आप डिनोमिनेटर में, सिर्फ मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँ, फोर कॉमन ले लिया जाए तो
तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन या वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये बन जाएगा फोर फोर सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इंटेग्रल आ जाएगा टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय फोर फोर सीकेंट स्क्वायर थीटा, फोर सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल टू वन टाइम टू, टू टाइम फोर। देखिए वन आवर टू विच इज द विच इज कॉन्स्टेंट ए, जो कि क्या है यहां पे कॉन्स्टेंट ए है, तो वन आवर टू और डी थीटा का क्या हो जाएगा, जस्ट थीटा प्लस जीरो। वॉट इज थीटा, अगर यहां से टू इसके साथ डिवाइड करें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और अगर आप दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स कर दे तो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थीटा। तो ये अगर मैं यहां पे इसको लिख दूं, यानी व्हाट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स, हाफ टाइम टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा। या इन अदर वर्ड आप देखें, इन अदर वर्ड आप देखें क्या बन गया, वन आवर ए, मैं इसको अगर इसको मैं जनरलाइज ए कह दूं, इसको मैं टोटल को एक्स कह दूं, तो बन जाएगा वन आवर ए टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स व्हाट इज दिस एक्स ओवर ए प्लस, सॉरी प्लस मैं थीटा यहां पे लिख रहा हूं, प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट सी, दिस इज नॉट थीटा, ये तो हम जस्ट लिख रहे हैं कांस्टेंट सी। तो आपने देख लिया जी कि अगर हमारे पास इस तरह के आपके यानी एमसीक्यूज आएंगे, या फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से कोई खुद से एमसीक्यूज बनाता हूं, वी चेंज द वैल्यूज, ठीक है, हम वैल्यूज चेंज करते हैं, तो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई ऑलवेज एनकरेज कि आप शॉर्टकट्स पे जाएं। फर्ज करें ये क्वेश्चन हो जाए डी एक्स बाय, डी एक्स बाय कर लें एक्स प्लस नाइन, एक्स प्लस नाइन और प्लस फाइव स्क्वायर, प्लस फाइव स्क्वायर, तो आपको इस तरह पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे वन ओवर ए विच इज फाइव, तो वन ओवर फाइव टेंजेंट इनवर्स ये स्क्वायर में, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स विच इज एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय फाइव एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस आप इस ऑप्शन को पिक कर देंगे जो कि इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए होंगे। तो टेंजेंट इनवर्स को हमने देख लिया, और इसी तरह से जो को टेंजेंट इनवर्स है वो जस्ट नेगेटिव साइन के साथ होता है, इट इज विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह से अगर सीकेंट इनवर्स एक्स में हो जाए, यानी हम ये बात जानते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, वो हो जाएगा, वो था वन आवर, वन आवर एक्स, वन आवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो इफ समथिंग कम्स, अगर कोई चीज इस फॉर्मेट में आ जाए, इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी वन आवर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस फोर डीएक्स, और हमें इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आप ऑब्वियसली आप मैच करेंगे जो डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके साथ सब्सटीट्यूशन के साथ। इसका मतलब है ये सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव था, अब ये इस फॉर्मेट में है, तो इसके लिए जो सब्सटीट्यूशन होगी वो सीकेंट इनवर्स वाली सब्सटीट्यूशन होगी। यानी यू कैन राइट दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ वन आवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऑलरेडी स्क्वायर में है, और फोर को हम लिख देंगे टू का स्क्वायर डी एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंट थीटा की जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होती है, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो अब आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो विल गेट लाइक व्हाट वी विल गेट, यानी दिस टर्म, दिस थिंग टर्न्स आउट टू बी डी एक्स की जगह लिख देंगे टू सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की जगह लिख देंगे टू सीकेंट थीटा का मीन के फोर सीकेंट स्क्वायर थीटा, फोर सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस फोर। अब अगर मैं सिर्फ और स्क्वायर रूट में, और अगर मैं डिनोमिनेटर को सिर्फ यहां पे सॉल्व करूं तो फोर सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, जो कि होता है हमारे पास किसके इक्वल, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा फोर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो कि स्क्वायर रूट के साथ बन जाएगा टू टेंजेंट थीटा। तो अगर मैं इसको सबको रिमूव कर दूं, इसको जगह लिख दूं टू टेंजेंट थीटा, ठीक है, एंड और इसके साथ डी थीटा भी था, डी थीटा भी था,
ये 2 2 से कैंसिल, tangent theta से कैंसिल, ठीक है, एंड वी जस्ट हैव वन थिंग, यानी और इसके साथ, अगर आप देखें तो माइनस ए स्क्वेयर मैंने लिखा ही नहीं, यानी x इज इक्वल टू था 2 secant theta, यानी 2 secant theta मैं यहां पे लिख देता हूं। चले जी, अब हमने करनी है सिर्फ सिर्फ secant theta और d theta की, जो कि हमारे पास क्या आती है, natural log of secant theta plus tangent theta, ये ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, एब्सोल्यूट ऑफ secant theta plus tangent theta। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट, यानी इस तरह से हम किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो इंटीग्रेशन में फंक्शन होंगे उनके उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब देखते जी, वन आवर यानी इंटीग्रल ऑफ वन आवर एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी एक्स। अब हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, कि हमारे पास जो इस फॉर्मेट पे चीज होगी वन आवर एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन की फॉर्म में, वो किसकी सब्सटीट्यूट होती है, सीकेंट इनवर्स और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, यानी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स की बात, ठीक है। लेकिन फर्ज कर ले इफ देर इज समथिंग एल्स, यानी यहां पे वन के अलावा कुछ और चीज है, फॉर एग्जाम्पल वी से के दिस इज फोर, यानी लेट सपोज फोर हो, तो ये बन जाएगा वन आवर्स एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। तो उस केस में सिर्फ सीकेंट इनवर्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स नहीं होगी, उसकी केस में क्या होगी, वन आवर ए जस्ट लाइक टेंजेंट थीटा, वन आवर ए सीकेंट इनवर्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आवर ए। सो इसका मतलब ये बन जाएगी वन आवर टू सीकेंट इनवर्स x over 2। So this is very important, ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम जो है किस केस में जो है वो इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। लास्ट हमारे पास एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तर्ज में हमारे पास जो एमसीक्यू आ सकता है वो ये है जी कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक ऐसे फंक्शन की जो इस फॉर्मेट में है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में। अब ये आपको सिंपली याद रखें बिकॉज दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म फॉर्मूला, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर भी आपका टाइम लगेगा। सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज कि x वॉट एवर एक्स इज इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x बाय 2 स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एंड देन प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपने हमेशा याद रखना, मीन के इफ वी हैव लाइक फर्ज करें अगर हमारे पास यहाँ पे हो 25 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पे 7 डी एक्स भी होगा, सो व्हाट इज द इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स बाय 2 स्क्वेयर रूट ऑफ अगेन 25 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस व्हाट इज ए इज यहाँ पे क्या है 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो दिस इज टर्न आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है, डी एक्स, तो ये बन जाएगा 5 का अगेन 25 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से हम जो है वो एक्स ओवर ए है, दिस इज नॉट 2 x over a, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दिस इज a, तो व्हाट इज a इज 5, तो x over 5 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आप इस तरह से इन चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी जो भी फंक्शन इस फॉर्मेट में गिवन होगा आप उसको इस लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मुतालिक आपके पास इंटीग्रेशन आएगी तो आप उनको इन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।